तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यह वाक्या 1942 के टाइम हुआ था, जब लॉर्ड वेवल हमारे पूरे भारत के गवर्नर थे और गेहूं का भाव 6 रुपए मण था। चौचौरी साहब ने गेहूं का भाव बढ़वाने के लिए लॉर्ड वेवल से रिक्वेस्ट करी। लॉर्ड वेवल ने कहा, छोटू राम 54-58 बढ़वानी है तो बढ़वा ले। और चौरी छोटू राम जी की मांग थी 6 रुपए से 10 रुपए करवाने की। लॉर्ड वेवल ने कह दिया, 54-58 बढ़वानी है तो बढ़वा ले, ज्यादा भाव नहीं बढ़ा सकते। तो चौरी छोटू राम जी ने एक संदेश दिया था किसानों को वहां से, किसान भाइयों जो खाने जितनी कणक है वो रख कर बाकी सभी माग लगा देना, इस सरकार को एक दाना कणक का फालतू देना नहीं है। तो लॉर्ड वेवल ने पूछा, जो साथी बैठा था, क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला, जी आपकी जो फौज है ना, वो गोली से नहीं मरेगी लेकिन भूख से जरूर मर जाएगी। चोरी साहब ये बोल के गए हैं। तो लॉर्ड वेवल नंगे पैर दौड़ के चोरी साहब के सामने गए, चोरी साहब 10 रुपी डन। तो उस समय भी MSP 10 रुपी डन करवाई थी, वो चोरी छोटू राम शख्सियत थी। और एक आज के मिनिस्टर है जो कहते आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत इन किसानों ने बना के दिखा दिया, क्योंकि ये 1967 से पहले इस देश में अनाज विदेशों से मंगा के खाया करते थे। और आत्मनिर्भर भारत बनाने के बाद में भी आज इस किसान को गोली मारने का काम ये सरकार कर रही है। आज ये मिनिस्टर हैं, एक वो मिनिस्टर थे, वो ऐसी लंबी सोच के मिनिस्टर थे, सर हयात खान, सिकंदर हयात खान उस टाइम 15 के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो अकाल पड़ गया 3 साल लगातार। सिकंदर हयात खान ने कहा चौधरी छोटू राम जी को, बोला रे छोटू राम इन नीचे वालों से बचा लेगा तो ऊपर वाले राम का क्या करेगा। तो उनके हाथ में एक फाइल थी, बोला जी भाखड़ा नंगल डैम, जो भाखड़ा नंगल डैम जिसका पानी आज हम पीते भी हैं, सिंचाई भी करते हैं, वो देन भी चोरी छोटू राम जी की थी। और आज इन्होंने हमारे को चरितार्थ करके दिखा दिया, सिर्फ एक ही शब्द कहा था, ऐ भोले किसान मेरी दो बात ले मान, बोलना ले से सीख और दुश्मन ले पहचान। आज इस किसान ने दुश्मन को ही पहचान लिया और बोलना भी सीख लिया है। अब ये किसान काबू में नहीं आओगा भाई, तो मर चम्मे करे जाइए, तेरा अगर भाई मारा पाछा कीते ताई चाल, हम पाछे न हटनिया नहीं। हाँ जी, दलाल खाप 84 की तरफ से यही संयुक्त किसान मोर्चा को मैसेज था कि आपके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे और दो नारे लगवाने की कोशिश करेंगे। चोरी छोटू राम कहेंगे, आपका नाम अमर रहे। चोरी छोटू राम, चोरी छोटू राम, किंजाब किसान भाईचारा, हरियाणा पंजाब भाईचारा, जय हो जी, धन्यवाद, कोई गलती हो माफ करियो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण बेनती है साडी भैन जी गुरिया लेखक टिकरी बार्डर दिल्ली तो, मिनट 4 आओ जी भैन जी। एक बार जोर से बोलेंगे, जय जवान जय जवान, हरियाणा पंजाब एकता, भारतीय किसान यूनियन। आज सर दीन बंधु छोटू राम जी की जयंती है, सबसे पहले उनको सादर नमन। और जिसके नाम के आगे ही दीन बंधु लिखा हो, जिसके नाम के आगे ही दीन बंधु लिखा हो, तो आप समझ जाइए कि उनका रुतबा कितना ऊंचा है। उनको ये उपाधि, इनको जो उपाधि दी गई है वह बहुत ही ऊंचे स्तर की है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने किसानों की लड़ाई गोरे अंग्रेजों से लड़ी थी, लेकिन आज जो लड़ाई है हमारी काले अंग्रेजों से है। चाहे वह मीडिया अपनी बिकाऊ कर दे, लेकिन देखते होंगे लाइव इसी स्टेज की, क्योंकि उन्हें पता है कि सच यहां से शुरू हो रहा है, उनकी मीडिया नहीं दिखा रही है। क्यों बोलो, सही कहा ना मैंने? वह सब लोग यहां की स्टेज देखते होंगे, वह सब लोग यहां के राष्ट्रीय न्यूज देखते होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी मीडिया बिकाऊ है, लेकिन यहां की मीडिया सच दिखाती है। और जो हमारी लड़ाई है सच के साथ है। मैं महिला शक्ति हूं, मैं खुद कहती हूं और गर्व से कहती हूं कि मैं दिल्ली से आई हूं और यहां पे हरियाणा पंजाब ही नहीं संपूर्ण भारत है। यह अंतरराष्ट्रीय लेवल तक चला गया है। अगर वह दिखाना चाहते हैं, चाहे हरियाणा के JP दलाल के बयान हो और वो दिखाना चाहते हैं कि यहां के किसान किस प्रकार मर रहे हैं, तो
दिल में बहुत दर्द उठता है। हाँ नहीं है मेरे पास खेत, नहीं हूं मैं किसान, लेकिन हर एक इंसान जो रोटी खाता है, जिसके रगों में खून दौड़ा है, एक रोटी का एक अन्न का भी है, तो वो किसान है। और यहाँ पे मैं कहती हूँ 56 इंच के सीने वालों से कि यहाँ देखिए मेरे घर के बुजुर्ग बैठे हैं, जो कि ठंड में ही नहीं और गर्मी से, अगर वो सोच रहे कि गर्मी से हार जाएंगे तो गर्मी से भी हारने वाले नहीं है, बड़े सोनिहाल और इतने सस्ते नहीं है किसान। जेपी दलाल जी कि आपने इतनी आसानी से कह दिया कि किसानों ने शहादतें यहाँ पर जाएगी तो वो अपने आंकड़े गिन ले, क्योंकि आने वाले समय में उनको यहाँ के किसान ही बताएंगे कि शहादतें क्या होती है। यहाँ पर मैंने अभी देखा कि मेरे भाई साइकिल से चल के आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, तो वो भी किसानों के लिए लड़ने आ रहे हैं। ये किसानों की व्यर्थता अभी नहीं लेकिन आने वाली पीढ़ियों में गाई जाएगी, जब हमारे देश के बच्चे बोलेंगे कि हाँ पंजाब से आए थे और इतना अन्न लेके आए थे कि यहाँ के मजदूर वर्ग भी खूब छक छक के खाए थे। इतना ही बोलूंगी कि बोले सोनिहाल, और इतना ही बोलूंगी यहाँ पर जितने मेरे बुजुर्ग हैं और उनकी जो बातों में, उनके जो आशीर्वाद में दम है वह कहीं नहीं होगा। और कोई भी मीडिया कोई भी दलाल इन किसानों को अपने जो इनके जो तीनों काले कानून हैं उनको रद्द कराने से नहीं रोक सकता, और ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो तुम डटे रहना दोस्तों। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।